हेलो सांग माने मैजिक फाउंडेशन रो आउ एक नुवा वीडियो को समस्त को स्वागत। एही वीडियो रे हमें माने माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिसा बोर्ड परिचालित तो दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते दशम श्रेणी गणित बही रो गोटे टॉपिक द्विघात समीकरण को डिस्कस करबा। द्विघात समीकरण कौन जानिबा पूर्वरु प्रथमे आमे समीकरण कौन जानिबा ता पूर्वरु पॉलीनोमियल आ ता पूर्वरु मोनोमियल अर्थ फर्स्ट आमे मोनोमियल कौन बुझिबा तापर पॉलीनोमियल कौन बुझिबा तापर समीकरण कौन बुझिबा तापर द्विघात समीकरण कौन बुझिबा। तो ये सब टॉपिक विषय में साधारण ज्ञान 8th और 9th क्लास रे पाई सरिछंती एबे ताकू खाली टिके एनहांस करके देखिबा जे प्रकृत रे पॉलीनोमियल मोनोमियल समीकरण द्विघात समीकरण एगुडा कौन आउ ता विषय किछ ना नोट डिस्कस करिबा किछ क्वेश्चन डिस्कस करिबा परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू गुडा को मध्ये डिस्कस करि चलिबा। ओके आरंभ करिबा तो प्रथमे मोनोमियल मोनोमियल कौन जदि ए एक ध्रुवक वास्तविक संख्या एक्स एक अज्ञात राशि एन एक अनुनात्मक पूर्ण संख्या हुई तेबे ए एक्स टू दि पावर एन को एक्स रे एन घात विशिष्ट मोनोमियल कह फर्स्ट अज्ञात राशि कौन जान ना अज्ञात राशि कौन ना जहाँ कौन सी निर्दिष्ट मूल्य ना उदाहरण स्वरूप जदि मुझेली एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रैल्यू किसी भी हो पाए सी जीरो हो पाए सी वन हो पाए सी टू हो पाए सीटा मैटर कर कंडीशन कौन अच्छी ताको धरिक एक्स रैल्यू डिसाइड हो तो एक्स रैल्यू आम कौन सठिक भाव कही पा ना तो जो राशि कौन सी निर्दिष्ट मूल्य न थाए ताकि अज्ञात राशि कह कितु जब गोटे नंबर ने थ्री थ्री रीनिंग समस्त थ्री तीन ही बुझ तेणु आर गोटे निर्दिष्ट मूल्य रही तेणु आपको ज्ञात राशि कह तो ज्ञात राशि अज्ञात राशि बुझीगला ज्ञात राशि अज्ञात राशि पर आम पुणी थोड़े फेरिया मोनोमियल को मोनोमियल आम साधारण रूप देखी ए जदि गोटे ध्रुवक वास्तव संख्या एक्स एक अज्ञात राशि कौन बुझे एन एक अणऋणात्मक पूर्ण संख्या मीनस नेगेट हो नाले ए जो परिप्रकाशी को आम गोटे मोनोमियल कह एक्जाम्पल 32 एक्स स्क्वेयर जब आम गोटे एक्जामपल हिसाब से ना आम देखी पाँच 32 हूँ आम गोटे ध्रुवक वास्तव संख्या एक्स एक अज्ञात राशि और दुई एक अणऋणात्मक पूर्ण संख्या तो 32 एक्स स्क्वेयर को आम गोटे मोनोमियल कहींपर 32 एक्स स्क्वेयर को आम गोटे मोनोमियल कहींपर तापर जब आउ गोटे एक्जामपल ना 2x 2x आम एक मोनोमियल हम किपर हो आम देखी पाँच दुई एठार गोटे वास्तव संख्या एक्स एक अज्ञात राशि और एक्स रो पावर किसी ना मीनस एक अच्छी तो एक गोटे अणऋणात्मक पूर्ण संख्या तेणु 2x एक मोनोमियल हम। ओके 2x एक मोनोमियल हे पर आउ गोटे एक्जामपल ना 2√x^5 तो यार आम देखी पाचे 2√2 हूँ आम कौन ध्रुवक वास्तव संख्या एक्स हूँ अज्ञात राशि एक्स हूँ अज्ञात राशि और 5 हूँ अणगणात्मक पूर्ण संख्या तो ये भी गोटे मोनोमियल हम तापर रहा 1 1 कौन एक मोनोमियल हो पार 1 तो एक संख्या तो संख्याटे मोनोमियल हो पार कि कौन सभी संख्या गोटे मोनोमियल हो पार कि सेटा जानापी आम आपको ए टाइप लिखिपर 1 × x^0 निहाती लिखिपर x^0 जार भी पावर 0 हेल्ले सी 1 तो 1 × 1 = 1 तो यहाँ ठीक अच्छे बर्तमान ये आम देखिपुट ये ए x^n फॉर्म्रे अच्छी ये 1 एक ध्रुवक वास्तव संख्या 0 एक अणऋणात्मक पूर्ण संख्या तेणु ये गोटे मोनोमियल हम तो प्रति वास्तव संख्या भी गोटे गोटे कौन हो पार मोनोमियल हो पार। ओके देखा एठारे ए को मोनोमियल रो सहग को जाए आ प्रति क्षेत्र रे आमे जो ए गुडा को पाइले एठी 2 हो एठी 32 हो एठी 2√2 हो एठी 1 हो एठी -5/2 हो ए सब उक्त पॉलीनोमियल मानकर सहग को जाइबो। ओके जदि कोनसे एकपदी बहुपदी परिप्रकाश रो प्रत्येक पद जदि गोटे गोटे मोनोमियल होइते ताले उक्त परिप्रकाश को पॉलीनोमियल को जाइबो। जदि गोटे परिप्रकाश अछि ताहिरे एक रो अधिक एक गोटे पद थाउ किबा एक रो अधिक पद थाउ जेतरी भी पद थाउ जदि किसी पद अच्छे प्रत्येक पद गोटे गोटे मोनोमियल ताले ताको पॉलीनोमियल कह उदाहरण देखिए 2 + 3x − 4x² तो यार आम जापुट 2 गोटे मोनोमियल 3x गोटे मोनोमियल −4x² गोटे मोनोमियल तो प्रत्येक पद आर गोटे गोटे मोनोमियल होकूक आम पॉलीनोमियल बोली कह गोटे जाना कथा जदि गोटे पॉलीनोमियल केवल गोटे पद रही है ताको मोनोमियल कह जाए जदि दुईट पद रही है ताको बाइनोमियल कह जाए जदि तीनोट पद रही है ताको ट्राइनोमियल कह जाए और व्यापक अर्थ में आम पॉलीनोमियल बोली कहू तापर 1 + 1 + x³ ये भी गोटे पॉलीनोमियल हम कहीं 1 भी गोटे मोनोमियल एक्स क्यू भी गोटे मोनोमियल 3x^10 ये आपको मोनोमियल भी कहूँ किंतु ये भी गोटे पॉलीनोमियल हो पार कहीं कौन भी एकपदी परिप्रकाश कि बहुपदी परिप्रकाश जार भी प्रति पद गोटे गोटे मोनोमियल सी गोटे गोटे पॉलीनोमियल प्रकृति में देखा गले मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ए सब गुड़ाक व्यापक अर्थ में पॉलीनोमियल कह जाए। ओके देखिए गोटे पॉलीनोमियल साधारण रूप जदि एक्स एक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स हुए ताहले
पी ऑफ एक्स रो साधारण रूप हो ए एन एक्स टू दि पावर एन ए एन माइनस वन एक्स टू दि पावर एन माइनस वन डट डट ए टू एक्स टू दि पावर टू ए वन एक्स ए वन एक्स ए जीरो तो ए टाइप फॉर्म रे रहिबो मीन्स गोटे गोटे पावर कमी कमी जीवो आ लास्ट को एक्स टू दि पावर जीरो भी हो लास्ट को एक्स टू दि पावर जीरो भी हो जोटा कि गोटे कन्स्टेंट संख्या आसो तापर बुझे समीकरण कौन समीकरण कौन ना दुईट पॉलीनोमियल समान हेले प्राप्त परिप्रकाश टी समीकरण कह जाए दुईट पॉलीनोमियल समान हेले प्राप्त परिप्रकाश टी समीकरण कह जाए उदाहरण स्वरूप गोटे एग्जांपल नेबा गोटे पॉलीनोमियल ले गले पाँच एक्स स्क्वे दुई एक्स माइनस नौ आ गोटे पॉलीनोमियल ले गले छः एक्स माइनस पाँच जितेबाला आम दुईटा को इक्वेट कले छः एक्स आउ माइनस पाँच एपटे आसला पर फाइनाली आमको ए जो पॉइंट मिला फाइव एक्स स्क्वे माइनस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो तो आपको आम गोटे समीकरण कहवा तो दुईटे पॉलीनोमियल समान ले जो परिप्रकाश टी फाइनाली आमको मिले से परिप्रकाश टी आमर समीकरण एवं गोटे समीकरण अज्ञात राशि सर्वोच्च घात को उक्त समीकरण घात कहुए उक्त समीकरण घात कहुए तो से विशेष सरल सह समीकरण में आम जो पढ़ू से आम कौन पढ़ू एक्स रो पावर वन अच्छी वाई रो पावर वन अच्छी तो जेहेतु से एक्स रो पावर वन वाई रो पावर वन मीन्स अज्ञात राशि मान पावर वन थिला तेणु ताकू एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण बोली कहौतिला किंतु एठी आम पढ़ा द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण कौन ना जो अज्ञात राशि सर्वोच्च पावर सर्वोच्च घात कौन हो दुई हो तो बर्तमान आम द्विघाती समीकरण साधारण रूप देखि ने द्विघाती समीकरण साधारण रूप हूँ ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एठारे ए नॉट इक्वल टू जीरो एठारे ए को एक्स स्क्वे सहग बी को एक्स रहग सी एक वास्तव संख्या आ मन रखा ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा पड़ो बी जीरो चलो सी जीरो चलो कि ए के जीरो नवर अच्छे ए के जीरो नाक आम द्विघाती समीकरण कहींपर ओके तो गोटे उदाहरण मध्यम बुझे गोटे एग्जांपल ले पाँच एक्स स्क्वे प्लस तीन एक्स माइनस पाँच इक्वल्स टू जीरो तो यह एक द्विघाती समीकरण हम कहीं कि गोटे एक्स स्क्वे किसी गोटे एक्स और किसी गोटे कन्स्टांट रहा तो यह एक द्विघाती समीकरण कहूँ पाँच को एक्स स्क्वे सहग तीन को एक्स रहग आ माइनस पाँच को ध्रुवक संख्या कहपर गोटे एग्जांपल नेपर गोटे एग्जांपल ने छः एक्स स्क्वे प्लस सात इक्वल्स टू जीरो तो यार आम देखिपुर किसी गोटे एक्स स्क्वे अच्छी कितु किसी गोटे एक्स टर्म ना कि आम ए टाइप लिखिपर छः एक्स स्क्वे प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सेवेन इक्वल्स टू जीरो तो यार ए छः बी जीरो सी सेवेन तो आपको भी आम गोटे द्विघाती समीकरण कहींपर आउ गोटे एग्जांपल ने दुई एक्स स्क्वे माइनस नौ एक्स तो यार भी आम देखिपुर किसी गोटे एक्स स्क्वे अच्छी किसी गोटे एक्स अच्छे कन्स्टेंट संख्या ना कि आम एपर लिखिपर दुई एक्स स्क्वे माइनस नौ एक्स प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो तो ये हम आम गोटे द्विघाती समीकरण ओके तो ये जो दुईट एग्जांपल बर्तमान आम देखिले एठार बी जीरो एठार सी जीरो होता बी सी जीरो चलो कि ए जीरो नवर अच्छे तो ए विशेष द्विघाती समीकरण कौन ना जार साधारण रूप ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप रही जोठार ए नॉट इक्वल टू जीरो आम गोटे द्विघाती समीकरण बोली कह तो बर्तमान आम बीजगणित मौलिक उपपाद्य पढ़ने गोटे एन घाती समीकरण एन संख्यक बीज था बीजगण अज्ञात राशि जो मूल्य द्वारा समीकरण टी सिद्ध हुए ताहाकु उक्त समीकरण बीज मूल समाधान कह जाए उदाहरण स्वरूप जब गोटे एग्जांपल नेबा एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो जितेबले आम एक्स जगह वन रखा तो उभय पटे वन माइनस वन जीरो तो समीकरण टी एठारे सिद्ध हो तो एठारे वन को एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो समीकरण पर गोटे बीज गोटे मूल बा गोटे समाधान कह तो जेहेतु यहाँ गोटे एकघाती समीकरण थिला एथिरे गोटे ही मूल मिलला सी होची वन जितेबले द्विघाती समीकरण रहिबो सेथिरे दुईटी बीज मिलिबो तीन घाती समीकरण तीनोटी चार घाती समीकरण चारोटी पांच घाती समीकरण ए टाइप चलिबो पांचोटी तो बुझिपारे जे द्विघाती समीकरण दुईटी बीज रहिबो तो से बीज निर्णय करने कौन कौन पद्धति रही तो से बीज निर्णय करने कौन कौन पद्धति रही जानवा द्विघाती समीकरण समाधान बा बीज निर्णय निम्नोक्त उपाय गुड़िक द्वारा द्विघाती समीकरण मानक बीज निरूपण कराए एक हूँ उत्पादीकरण दुई हूँ पुनर्वर्ग से परिणत कर समाधान निर्णय द्विघाती सूत्र प्रयोग कर समाधान निर्णय तो ए प्रकार पद्धति गुड़ाक रही उत्पादीकरण कौन उत्पादीकरण कौन आम क्लास ए थ्रू ही पढ़ी सारी उत्पादीकरण कौन आम क्लास ए थ्रू ही पढ़ी आसुँच बर्तमान गोटे एग्जांपल छोटिया एग्जांपल नहीं बुझने जो उत्पादीकरण किपर कराए तो उत्पादीकरण तो आम आठ क्लास पढ़ी आसुँचे गोटे एग्जांपल नहीं बुझने उदाहरण स्वरूप जब गोटे एग्जांपल नेबी एक्स स्क्वे माइनस पाँच एक्स प्लस छः इक्वल्स टू जीरो तो प्रथम आम कौन करें
ना थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म रे मल्टीप्लाई करथले 6 * x स्क्वायर 6x स्क्वायर तापर कोन करथले ना मजी टर्म टा को देखथले 5x तो हमरो गुणिला बेळ को को दुटा संख्या गुणिला बेळ को 6x स्क्वायर हबो एवं मिसेला बेळ को 5x हबो -5x हबो अबा गुणिला बेळ 6 हबो मिसेला बेळ -5 हबो तमे जानछन्थि -3 और -2 तो से विशेष रे हम आकु कोन लिखथले x स्क्वायर -3x -2x +6 = 0 तापर हम कोन करथले प्रथम दुटा रु जहा कॉमन बाहर बाहर करथले x square minus 3x रु x कॉमन काट देले x minus 3 ही रहतले -2x minus 6 रु आ -2 एठर कॉमन काट दिया -2 कॉमन काट देले कोन हो ना एटे x हे जइबे एटे -3 हे जइबे एटे 0 हे जइबे ओके तो वर्तमान कोन हे गेला ना ए दीटा परिप्रकाश रु जदि हम x minus 3 कॉमन काट नेबा ताले एटे रहइबो x एटे रहइबो -2 equals to 0 तो ए टाइप रे करथले तापर x minus 3 x minus 2 is equals to 0 आसले वर्तमान हम लिखि परथले x minus 3 equals to 0 किंबा x minus 2 is equals to 0 ओके तो जापल रे हमरा आस्तले x is equals to 3 एवं x is equals to 2 तो वर्तमान ए जो दुईटे मूल्य आसले x is equal to 3 और x is equal to 2 दत्त देखाते समीकरण रो मूल बोली कह जाउथले ए जो उत्पादीकरण प्रक्रिया टी सब क्षेत्र रे सहज हुए नि बेले बेले बहुत ही कष्ट हो जाए तो से क्षेत्र रे हम आ गोटे पद्धति सिखिबा जोटा दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा दृष्टि रु बहुत ही इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे रही थाए प्राय सब वर्ष ये पढ़ी थाए तो आम सीखा पुनर्वर्ग में परिणत कर समाधान निर्णय किपर कराए तो से जो टॉपिकटार ना हो से जो प्रोसेसटार ना हो पुनर्वर्ग में परिणत कर समाधान निर्णय कर तो पुनर्वर्ग में परिणत कर किपर समाधान कराए दशम बोर्ड परीक्षा ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक प्राय थर ए क्वेश्चन टी पढ़ी जो पुनर्वर्ग में परिणत कर समाधान करो ताको भलसे बुझा बुझिके आपको पूरा मास्टरी करवा बहुत सारा एग्जाम्पल लेकिन शिखा कहीं ये गोटे बाउंड 5 मार्क पड़े दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा ओके देखने पुनर्वर्ग में परिणत कर समाधान निर्णय पुनर्वर्ग में परिणत कर द्विघाती समीकरण समाधान निर्णय प्रथम कर दशम शताब्दी में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधर आचार्य द्वारा समाहित होता तो श्रीधर आचार्य प्रथम पुनर्वर्ग में परिणत कर समाधान करवा आरंभ करते तो किपर करा मनकर गोटे दत्त समीकरण दे थो तो प्रथम काम आमर हम जो प्रत्येक पद को ए द्वारा भाग कर ए अर्थ एक्स स्क्वायर सहग द्वारा प्रत्येक पद को प्रथम भाग करने जहाँफल आमको किसी ए टाइप रिच्छ गोटे समीकरण मिल जाव ए टाइप समीकरण मिलला पर आम कौन करवा ना बर्तमान कौन करवा ना सी बै ए को आम आरएचएस पटे नहीं जावा आरएचएस पटे नहीं जावा बर्तमान एक्स रहगरे आम कौन कर दुई एवं हाफ गुणवा एक्स रहगरे तो थर्ड पॉइंट हूँ एक्स रहगरे आम दुई एवं हाफ गुणवा दुई एवं हाफ गुणवा तापर कौन करवा दुई एक्स को प्रथम अलग करके लिखिदे लाइन में आम एक्स स्क्वायर लिखने तापर दुई एक्स को लिखने तापर जहाँ पहुँचला तापर जहाँ पहुँचला एठार पहुँची था बी तले थी टू इंटु ए टू ए तो से विशेष लिखिदे सेपटे तो माइनस सी बै ए रोह तापर कौन करवा एठार गोटे नूतन राशि उत्पन्न हो बी बै टू ए जो नूतन राशि वर्ग को आम उभयपटर जोग करदे जहाँफल कौन हो आर एच एस सैटे आमर ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू ए बाला सूत्र बाला गोटे गोटे परिप्रकाश बनीज प्लस टू ए सूत्र बाला गोटे परिप्रकाश बनीज जहाँफल आम लिखिद एटार ए कि एक्स और बी कि बी बै टू ए तो से अनुसार आम लिखिपर को एक्स प्लस बी बै टू ए रोल स्क्वेर एपटे आर एच एस सैट्रे कौन हो ना आरएचएस सैट्रे कौन हम ना आरएचएस सैट्रे जो नंबर गुड़ाक अच्छे सल्व करके आम गोटे नंबर आने जोटा कि ये आसला -4ac प्लस बी स्क्वेर बै 4a² ए टाइप रोटे नंबर आकु सल्व करवा सल्व कर गोटे नंबर आने तापर जो नंबरटा आसला तापर कौन आसो कि टाइप रोटे नंबर आसो नंबर आसला स्क्वेरटा को सेपट नहीं रुट ओवर कर रुट ओवर करदे बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी रुट ओवर हो 4a² रुट ओवर हो 2a तो फाइनल आंसर बनो प्लस और माइनस रुट ओवर बी स्क्वेर माइनस 4ac बै 2a तो बर्तमान कौन करवा ना जो प्लस बी बै 2a अच्छे सेपट नहीं जावा माइनस बी बै 2a तो माइनस बी बै 2a तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वेर माइनस 4ac बै 2a प्लस सहित अलग करदे आमको मिले माइनस बी प्लस रुट ओवर बी स्क्वेर माइनस 4ac बै 2a आउ जदि माइनस करदे माइनस बी माइनस रुट ओवर बी स्क्वेर माइनस 4ac बै 2a आपको जब आम आल्फा कहवा आपको जब बीटा कहवा द्विघाती समीकरण मूल द्वय आमर हम आल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण मूल द्वय कौन हम आल्फा बीटा ये वर्किंग रूल कौन कहला प्रथम जो समीकरण टी ए द्वारा भाग करवा कौन करवा
सी माइनस एटा को आर एच एस साइड को नहीं जापर एक्स रहगे दुई और हाफ गुणवा और दुई आउ एक्स को आगे आणिक लिखने तापर जो नंबरटा क्रिएट है से नंबर और होल स्क्वायर को दुई साइड मिसेवा एलएचएसटा आम कौन हो प्लस बी होल स्क्वायर हो ना ए माइनस बी होल स्क्वायर हो आर एच एसटा को सल्व करके गोटे नंबर आने आर एच एसटा को सल्व करके गोटे नंबर आने आम कौन करना स्क्वेयरटा को सेपट नहीं रुट करनेपर एक्स पाखे जो संख्याटी थी ताको सेपट नहीं जहाँफल आमुक दुईट संख्या आलफा और बीटा मिले और से आलफा और बीटा ही हम दत्त समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो रो दुईट मूल दुईट बीज दुईट समाधान ओके नेक्स्ट गोटे उदाहरण मध्यम आपको बुझा गोटे उदाहरण मध्यम करवा भलसे बुझा कहीं आगे कही सारी यहाँ बहुत इंपोर्टेंट दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा दृष्टि दत्त समीकरण दुई एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस चार इक्वल्स टू जीरो जो समीकरण टी पुनर्वर्ग परिणत करके समाधान करार अच्छे तो ये प्रथम कौन करवा जहाँ आम कथी जो प्रथम आम कौन करवा ना एक्स स्क्वायर सहग द्वारा हरवा तो एक्स स्क्वायर सहग ये कि दुई थी तो से चारोट जाक पद को दुई में हरली दुई एक्स स्क्वायर बै दुई माइनस नौ एक्स बै दुई प्लस चार बै दुई प्लस जीरो बै दुई जहाँ फिर आमको कौन मिलला एक्स स्क्वायर माइनस नौ बै दुई एक्स प्लस चार बै दुई तापर आम कौन कले ना आम कथी जे सी बै एटा को सेपट ना ये सी बै ए किए फोर बै टू तो फोर बै टू टा को तो फोर बै टू टा को सेपट ना जहाँफल सी माइनस फोर बै टू होगा बर्तमान आम कौन कथी ना एक्स रहगे दुई एवं हाफ गुणवा तो यार आम दुई भी गुणले आ हाफ भी गुणले ओके तो यार आम दुई गुणले और हाफ गुणले तापर कौन कथी ना दुई एवं एक्स को आगे आनीदे दुई एवं एक्स को आगे आनीदे द्वारा कौन हो ना दुई को आनीदे एक्स को आनीदे उपर कौन रहा नौ इंटु एक नौ दुई दुणे चार तो यार आम गोटे नुआ संख्या उत्पन्न होगा से नौ बै चार नौ बै नौ बै चार तो बर्तमान कौन करवा नौ बै चार रो होल स्क्वायर को उभय पटे जोग करवा सीटे जो प्रकार आम कथी बी बै टू ए होल स्क्वायर को आम उभय पटे जोग करवा तो नौ बै चार को उभय पटे जोग करवा उभय पटे जोग कले कौन हम ना आम ये देखिपे जदि आम एक्सटा को ए भाविया नौ बै चार टाक बी भाविया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ क्या सूत्र ए माइनस बी होल स्क्वायर तो एपटे होगा सेपटे कौन करवा माइनस चार बै दुई नौ बै चार होल स्क्वायर एकाशी बै षोह तापर कौन है देख न एक्स माइनस नौ बै चार होल स्क्वायर एपटा को आम पूरा सल्व करना माइनस बतीस प्लस एकाशी बै षोह जोटा कि परवर्त समय आसा अणचास बै षोह बर्तमान स्क्वायरटा को सेपट नहीं जाए स्क्वायरटा को सेपट नहीं गले प्लस माइनस रुट ओवर अणचास बै षोह इज इक्वल टू प्लस माइनस सात बै चार ओके कौन हम ना एक्स इज इक्वल टू नौ बै चार प्लस माइनस सात बै चार बर्तमान अलग करदे एक्स इज इक्वल टू नौ बै चार प्लस सात बै चार किंवा एक्स इज इक्वल टू नौ बै चार माइनस सात बै चार प्लस ने माइनस भी ना प्लस ना जो यहाँ होगा षोह बै चार यहाँ होगा दुई बै चार ओके कौन है तो षोह बै चार एक्स इज इक्वल टू चार किंवा एक्स इज इक्वल्स टू एक बै दुई निर्णय मूलद्वय कौन आसला ना गोटे एक्स इज इक्वल्स टू चार एवं एक बै दुई एवं एक बै दुई तो निर्णय मूलद्वय कौन कौन आसला एक्स इज इक्वल टू चार एक बै दुई तो यह प्रकार भाव में पुनर्वर्ग परिणत कर समाधान कराए प्रथम कौन कर एक्स स्क्वायर सहग द्वारा भाग कराए सी वाई ए को आर एच एस को अणा जाए तापर एक्स रहगे दुई इंटू हाफ गुणा जाए तापर कौन कराए ना दुई एक्स को आगे आणिक जितकी संख्या बढ़ला गुणी लिखा जाए और जो नुआ संख्या क्रिएट है तार होल स्क्वायर को उभय पटे मिसा जाए जहाँफल एल एच एस ए प्लस बी ना ए माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र बन जाए आउ एपटे संख्या गुड़ाक सल्व करके आम गोटे नंबर पाऊ से नंबर को पाइला आम स्क्वायरटा को एपटे आनी रुट ओवर कर नौ तापर एक्स पाखे जो संख्याटा अच्छे ताकू भी आर एच एस को आनीदेव जहाँ को सल्व कले आमको दुईट मूल मिल जाए आमको दुईट मूल मिल जाए यहाँ एक भूल लिखाई जाए तो मुझे भावी समस्त को भलसे बुझे थी मनोमेल कौन पॉलीनोमियल कौन समीकरण कौन दीघात समीकरण कौन बीजगणित मौलिक उपपादी कौन उत्पादीकरण कौन उत्पादीकरण द्वारा किपर उत्पादीकरण द्वारा किपर मूल निर्णय कराए मूल कौन तापर आम पुनर्वर्ग परिणत करपर समाधान कराए ये सब जिन भलसे बुझे थी तो ये दुईटे क्वेश्चन छः एक्स स्क्वायर प्लस एगार एक्स प्लस तीन इज इक्वल्स टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस दुई एक्स माइनस तेसठ इज इक्वल्स टू जीरो दुईट क्वेश्चन को पुनर्वर्ग में परिणत करके समाधान कर आउ जदि कौन डाउट रहे ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर मुझे निहाती उत्तर देवी तो आज वीडियो ये आ परवर्त वीडियो रे आम अनुशीलनी तो आम अनुशीलनी दुई र चार नंबर जो थी पुनर्वर्ग में परिणत कर समाधान कर मोटामोटी भाव दस रु अधिक क्वेश्चन रही से क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कस करवा गोटे वीडियो रे तापर आमे आगे को बढ़िया
जदि आज वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे आ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रोचे जय जगन्नाथ, धन्यवाद।